नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। पीएम आवास में फर्जीवाड़ा, जिनके पक्के मकान उन्हें भी मंजूर किए जाते हैं, पॉलीथीन और त्रिपाल से गुजारा करने वाले हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे से बाहर। मामला ग्राम पंचायत पिपरिया का है। बसीर पुत्र मोंगरे का 2019 में आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय अधिकारियों ने बसीर पुत्र मंगरे की जगह बसीर पुत्र नबी कर दिया, जबकि सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर के रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन कमीशन ना मिलने से इनका नाम जानबूझकर गलत किया गया ताकि यह प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहें। जब बसीर पुत्र मंगरे खंड विकास अधिकारी को शिकायत पत्र देने गए तो खंड विकास अधिकारी ने बसीर पुत्र मंगरे को फटकार लगाकर भगा दिया और बताया, जाओ घर पर बैठो, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें आवास नहीं मिलेगा। जिसके पक्के मकान और जो पहले से ही आवास योजना का लाभ पाए हुए हैं, उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों से कमीशन मिलता है। जो कमीशन देते हैं, उनका मकान चाहे पक्का हो या पहले से आवास पाए हो, उन्हें तत्काल आवास योजना का लाभ दिया जाता है, चाहे किसी का नाम गलत हो। यहाँ तक कि बहू और ससुर को पति पत्नी बना करके आवास योजना का लाभ दिया गया। जिनको पहले से आवास मिला है, उन्हें भी आवास दिया गया। लाभार्थियों के पास प्रधान व ग्राम सचिव रखते हैं ताकि इन्हें साथ में बैंक पर ले जा करके वहां पर पैसा निकाले और इन्हें कमीशन मिले। और एक मामला सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास योजना का मतलब दैवी आपदा राहत, लेकिन मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ जो दैवी आपदा से पीड़ित है, जिनका घर जल गया है, जो विकलांग है, कुष्ठ रोगी है, उनकी तो जांच चल रही है, 3 साल से जांच हो रही है, कम से कम 50 बार जांच किया गया, लेकिन अभी तक जांच ही नहीं हो पाई। जब परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह से मुख्यमंत्री आवास के विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और जांच ही चलती रहेगी। इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलना, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, कमीशन नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया गया है जो सन 2015 से लेकर अभी तक ना तो घर जला है और ना ही घर गिरा है, लेकिन कमीशन लेकर भी उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। जो लोग पॉलीथीन पर तिरपाल में गुजारा कर रहे हैं, वह ऐसी योजनाओं से बाहर हैं, क्योंकि उनके पास कमीशन देने का पैसा नहीं, इसलिए गरीब व असहाय लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यहां तक कि मनरेगा का पैसा 50% फर्जी खातों से निकाला जा रहा है और 100 से 200 रुपए खाता धारक को दे दिया जाता है और पूरा पैसा प्रधान और अधिकारी बंदर बांट कर लेते हैं। गरीब मजदूर का खून चूसने वाले अधिकारियों को निलंबित होना चाहिए। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। हेलो, हेलो सर, नमस्कार। अरे 2-3 आवास ही गए थे सुनती आपके वहाँ, सीएम आवास की एक माह हो गई है, अभी वापस नहीं मिला तो सोचा नहीं मिला। सीएम आवास नहीं थी पिपरिया की, बोल रहे हैं तो वो अभी आपके वहाँ कोई बगल में कोई आपके पिए हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर? हाँ, पता लगा था वहाँ पर रखी है 1 महीने से थी, अभी उसका कोई सूचना नहीं मिली, क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास की जांच दिया, उसको मिली आपके यहाँ की? अच्छा, श्रीपुर ब्लॉक दिया है, उसको दिया गया है। अच्छा अच्छा, दिया है, उसके यहाँ जाँच होके आएगी तो उसमें दिया है, उसमें तहसील के इतना किरदार है, ब्लॉक शायद यही है, 3 सदस्यीय कमेटी की जाँच होती है ना उसकी पहले, तो उसी जांच में है। ठीक है सर, वही जानकारी। यूएफटी न्यूज 24 के लिए बहराइच से पारसनाथ की रिपोर्ट।